अब बिहार में नहीं होगी बिजली कटने की समस्या, इतिहास बन जाएगा पावर कट। नमस्कार, मैं दिव्या, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। बिहार में अब बिजली संकट का कोई सवाल नहीं उठेगा, क्योंकि अब राज्य सरकार ने प्रदेश में बिजली की आपूर्ति में सुधार के लिए बड़ा कदम उठाया है। औरंगाबाद जिले के नवीनगर में एक नई बिजली परियोजना का काम शुरू होने जा रहा है, जो बिहार के बिजली संकट को पूरी तरह से समाप्त कर देगा। इस परियोजना में स्टेज दो के तहत 800 मेगावाट क्षमता की 3 नई बिजली इकाइयों का निर्माण किया जाएगा, जिससे कुल बिजली उत्पादन क्षमता 2400 मेगावाट तक पहुंच जाएगी। इस परियोजना का जिम्मा देश की प्रमुख इंजीनियरिंग कंपनी L&T को सौंपा गया है, जो मार्च 2025 तक काम शुरू कर देगी। अनुमान है कि 2028 तक पहली इकाई पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। इस परियोजना का कुल खर्च 29,947.91 करोड़ रुपए अनुमानित किया गया है। ये परियोजना बिहार के लिए NTPC का अब तक का सबसे बड़ा निवेश है। बिहार में NTPC द्वारा किए जा रहे इस पावर प्लांट का महत्व इस बात से बढ़ जाता है कि नवीनगर पावर स्टेशन के स्टेज एक में पहले से ही 1980 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। इसमें बिहार की हिस्सेदारी 82.5% यानी 1634 मेगावाट है। इसके अलावा बिहार की रेल व्यवस्था को भी 1000 मेगावाट बिजली अलग से दी जा रही है। अब नए प्लांट के शुरू होने से बिहार में बिजली उत्पादन में और भी इजाफा होगा, जिससे राज्य की बिजली आपूर्ति पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाएगी। नवीनगर में बनने वाली ये नई परियोजना बिहार के बिजली उत्पादन क्षमता को बढ़ाएगी, साथ ही औरंगाबाद जिले में कुल बिजली उत्पादन 2800 मेगावाट से बढ़कर 5380 मेगावाट तक पहुंच जाएगा। खास तौर पर नवीनगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की 2400 मेगावाट की नई इकाइयों से इस परियोजना का दर्जा मेगा थर्मल पावर स्टेशन का हो जाएगा। इससे बिहार और आसपास के क्षेत्रों को हर मौसम में पर्याप्त बिजली मिल सकेगी और राज्य के विकास में बिजली की कोई कमी नहीं रहेगी। नवीनगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के स्टेज दो का निर्माण पहले से स्थापित कई आधारभूत संरचनाओं की वजह से अपेक्षाकृत कम समय में पूरा हो जाएगा। इस परियोजना के पास पहले से ही 1400 एकड़ अतिरिक्त जमीन उपलब्ध है, जिससे परियोजना के निर्माण में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा रेलवे ट्रैक, पानी की पाइपलाइन और कूलिंग पॉन्ड जैसी कई महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही मौजूद हैं, जिनका उपयोग नए प्लांट के लिए किया जा सकेगा। इससे निर्माण की लागत और समय दोनों में बचत होगी। इस परियोजना के पूरा होने के बाद बिहार की बिजली आपूर्ति में कोई कमी नहीं रहेगी। बिहार के अन्य राज्यों से बिजली की आपूर्ति पर निर्भरता खत्म हो जाएगी। इसके साथ ही राज्य के नागरिकों को बेहतर और निरंतर बिजली आपूर्ति मिलेगी, जो उनके जीवन स्तर में सुधार लाएगी। बिहार के औद्योगिक क्षेत्रों को भी इससे लाभ होगा, क्योंकि उन्हें अब बिजली संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। वो ये खास तौर पर किसानों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी, क्योंकि उन्हें अब सिंचाई के लिए बिजली संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस परियोजना से न केवल बिहार के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को भी फायदा होगा, बल्कि ये पूरे देश के लिए भी एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि ये एक मॉडल प्रोजेक्ट होगा जो ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक और कदम बढ़ाएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इससे बिहार को कितना फायदा होने वाला, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।